दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। बात करेंगे कि देश के राज्यों पर अगले 3 दिनों के दौरान किन भागों पर भारी बारिश होने की संभावना रहेगी और साथ ही किन भागों पर अब धूल भरी आंधी और तेज तूफान का इंटेंस स्पेल आने वाला है। इन सभी के बारे में बताएंगे पूरे विस्तार से, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो जैसे कि दोस्तों, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि देश के सेंट्रल राज्यों से बारिश का एक दौर शुरू होगा जो कि काफ़ी लंबा स्पेल रहेगा। और देश के सेंट्रल राज्य जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से और उड़ीसा, इन भागों पर आप देख सकते हैं कि इन भागों पर पिछले 3 से 4 दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। और आज भी 12 अप्रैल को भी नागपुर और इसके आसपास के इलाकों पर काफ़ी इंटेंस क्लाउडिंग हुई है और यहाँ पर बारिश जारी है। अब बारिश का जो स्पेल आने वाला है वो काफ़ी इंटेंस स्पेल होगा जो कि देश के उत्तर भारत के हिस्सों से शुरू होगा और उन भागों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि अब अप्रैल का महीना है और अप्रैल के महीने में जो एक्टिविटी होती है वो प्री मानसून एक्टिविटी होती है और प्री मानसून एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा तेज़ तूफान आने की संभावना बढ़ती है और साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। क्योंकि इसमें जो क्लाउड बनते हैं वे काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं जो कि 25,000 फीट से लेकर 55,000 की फीट तक या फिर कभी कभी उससे भी ऊंची ऊंचाई तक बादल बन जाते हैं। उन बादलों को क्यूनोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं और उन बादलों की वजह से ओलावृष्टि होने और तेज़ तूफान की संभावना काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत के हिस्सों पर एक इंटेंस WD आएगा और आप देख सकते हैं कि वो WD इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है। और इन भागों पर आप देखें कि एक बड़े इलाके पर काफ़ी ज़्यादा इंटेंस क्लाउड है और ये क्लाउड अब धीरे धीरे यहाँ से जम्मू कश्मीर और उत्तर भारत की तरफ मूव करेंगे और इन्हीं का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक सर्कुलेशन भी बनेगा जो कि यहाँ पर बनेगा, एक ट्रफ आएगी जो यहाँ से बिहार तक बनेगी। और साथ ही जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेंगे वो रहेंगी एंटी साइक्लोन, जो कि एक बंगाल की खाड़ी पर यहाँ बना रहेगा और दूसरा अरब सागर पर। ये दोनों ही एंटी साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमकर हवाओं को, नमी वाली हवाओं को बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से काफ़ी तेज़ी के साथ उत्तर भारत की तरफ पुश करेंगे, जिसकी वजह से ये नमी वाली हवाएं WD के साथ इंटरेक्शन करेगी और यहाँ पर भारी बारिश और पहाड़ी राज्यों पर भारी बर्फबारी देगी। आपको बता दें कि अमूमन इस दौरान इतने इंटेंस WD नहीं आते हैं, पर लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में ये काफ़ी इंटेंस WD आया है। आइए जानते हैं विस्तार से कि देश के किन किन राज्यों पर इसका इफेक्ट रहेगा। तो देखिए दोस्तों, ये 13 अप्रैल का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस WD के बारे में हमने आपको बताया था वो जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचा है और साथ ही इसका एक सर्कुलेशन है जो कि यहाँ पर बन चुका है। और देखिए कि एक ट्रफ लाइन भी है जो यहाँ से होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से होते हुए यहाँ तक बन गई है। अब इनका सिस्टमों का मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा और ये दोनों एंटी साइक्लोन काफ़ी तेज़ी के साथ नमी वाली हवाओं को यहाँ से इन भागों पर पुश करेंगे और साथ ही ये एंटी साइक्लोन इन हवाओं को यहाँ से यहाँ पर पहुँचाएगा। जब तीन दिशाओं से मॉइस्चर यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी वजह से WD में जो इंट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से 13 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी और साथ ही ऊंची पहाड़ियों पर कुछ स्थानों पर भारी बर्फबारी भी होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो निचले इलाके रहेंगे इन भागों के, वहां पर भी काफ़ी तेज़ बारिश होने और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। साथ ही इन सिस्टमों का प्रभाव आपको उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर देखने को मिलेगा, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही उत्तरी मध्य प्रदेश, खास तौर पर पंजाब और हरियाणा पर इसका इफेक्ट होगा। और वहां पर 13 अप्रैल को कई स्थानों पर बारिश होगी और साथ ही कुछ स्थानों पर यहां तेज़ बारिश होने और कुछ हिस्सों पर ओलावृष्टि भी होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर भी मौसम बदल जाएगा और यहां भी 13 अप्रैल की शाम से बादल पहुँच जाएंगे और बारिश की गतिविधियाँ इन भागों पर भी शुरू हो जाएगी। पश्चिम राजस्थान के हिस्सों पर पहले ही बारिश शुरू हो चुकी है और ये बारिश बढ़कर 13 अप्रैल को राजस्थान के एक बड़े इलाके पर पहुंचेगी। पूर्वी राजस्थान, पश्चिम राजस्थान और साथ ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश, इन भागों पर इसका फैलाव होगा और यहाँ भी आपको 13 अप्रैल को बारिश देखने को मिलेगी। पश्चिम राजस्थान पर इस दौरान धूल भरी आंधी का जो प्रभाव रहेगा वो काफ़ी बढ़ेगा, जिनमें 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन भागों पर तूफानी हवाएं चलेंगी।
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार पर 13 अप्रैल को इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला, पर लेकिन वहाँ पर हवाएं जरूर बदलेंगी और हो सकता है कि यहाँ पर जब जो तापमान रहेगा वो 40 डिग्री तक पहुँचेगा तो अचानक यहाँ पर क्लाउडिंग डेवलप हो जाए और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो जाए। मध्य भारत के हिस्सों पर जो बारिश हो रही थी वो अभी भी जारी रहेगी और 13 अप्रैल को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और साथ ही उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड, इन भागों पर बारिश का दौर जारी रहेगा और यहां पर ये बारिश 13 अप्रैल को भी कई स्थानों पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर जो WD आगे की तरफ मूव कर रहा था वो आगे चला गया है और इस एंटीसाइक्लोन की वजह से जो हवाएं पहले पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंच रही थी वे ब्लॉक होकर अब उत्तर भारत के हिस्सों पर पहुंच रही है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर अब बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या कहीं कहीं मध्यम बारिश से हम इनकार नहीं कर सकते। देश के दक्षिण राज्यों पर भी मौसम बदलेगा, जिनमें केरल पर कई स्थानों पर बारिश होगी, तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक पर भी कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे और बारिश होगी और साथ ही तमिलनाडु पर भी कुछ स्थानों पर आपको हल्की बारिश 13 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। मुंबई से लेकर गोवा तक इन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है, पर लेकिन गुजरात के जो पूर्वी हिस्से रहेंगे जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए आते हैं, यहाँ पर आपको कुछ बारिश 13 अप्रैल को देखने को मिलेगी। इससे पहले गुजरात के हिस्सों पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई थी, पर अब इन भागों पर भी मौसम बदलने वाला है। आगे बढ़ते हुए 14 अप्रैल के मौसम को देखिए तो 14 अप्रैल को देश के राज्यों पर इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। पहाड़ी राज्यों पर WD का सीधा प्रभाव होगा, जिनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन तीनों पर्वतीय राज्यों पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी और साथ ही मैदानी हिस्सों पर इस सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान, इन सभी हिस्सों पर बारिश का दायरा बढ़ेगा और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और यहां पर 14 अप्रैल को आपको कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी और साथ ही इन भागों पर कई स्थानों पर तेज़ बारिश होने की संभावना 14 अप्रैल को रहेगी। 14 अप्रैल को जो इंटेंसिटी रहेगी वो काफ़ी अधिक इंटेंस होगी और साथ ही इन भागों पर कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी होगी और अगर ओले इन भागों पर गिरते हैं तो उनसे जाहिर है कि फसलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये अप्रैल का महीना है और इसमें जो फसलें होती है वे कटने लगती है, जिसकी वजह से अगर यहाँ पर ओलावृष्टि होगी तो जाहिर है उनको काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। जो बारिश का दायरा था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक बढ़ जाएगा और यहाँ भी आपको अब बारिश 14 अप्रैल को देखने को मिल सकती है। झारखंड पर भी बारिश होगी और सब पर पश्चिम बंगाल पर भी आपको कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। देश के सेंट्रल राज्यों पर जो बारिश हो रही थी वो धीरे धीरे कम होगी, पर लेकिन फिर भी विदर्भ और साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन भागों पर अभी भी 14 अप्रैल को हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि ये एंटीसाइक्लोन काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ से हवाओं को उत्तर भारत की तरफ पुश कर रहा है और साथ ही इस सर्कुलेशन की वजह से ये हवाएं यहाँ ऊपर की तरफ उठ रही है, इसलिए इन भागों पर ये एक्टिविटी जो 14 अप्रैल को भी आपको देखने को मिल सकती है। देश के दक्षिण राज्यों पर भी बारिश का दौर 14 अप्रैल को जारी रहेगा और केरल पर कई स्थानों पर बारिश होगी, तटीय कर्नाटक पर भी बारिश होगी और आंध्र कर्नाटक और तमिलनाडु पर बारिश कम हो जाएगी, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से इनकार हम नहीं कर सकते। बता दें कि ये इस प्री मानसून सीजन का काफ़ी इंटेंस स्पेल है जो शुरू होने वाला है और ये काफ़ी लंबा स्पेल रहेगा, जो कि 15 या 16 अप्रैल तक जारी रहेगा। उसके बाद एक और इंटेंस WD आएगा जो कि उत्तर भारत के हिस्सों पर प्रभावित करेगा। उसके बारे में जो भी अपडेट होगा हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।